अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। रोजगार को लेकर देवघर में मजदूरों ने श्रम कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। झारखंड असंगठित दैनिक मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन में संघ के अध्यक्ष सहित दर्जनों की संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। धरना प्रदर्शन के बाद संघ ने श्रम अधीक्षक को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। बात करने के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मजदूरों को देने के लिए जो कपड़े आए थे वो गोदाम में पड़ा सड़ रहा है, लेकिन मजदूरों के बीच नहीं बांटा गया। संघ ने अविलंब गोदाम में रखे कपड़े बांटने की मांग की। वही सचिव भूतनाथ यादव ने सरकार सहित जिला प्रशासन से मांग किया है कि देवीपुर में निर्माणाधीन एम्स और हवाई अड्डा में स्थानीय मजदूरों को काम दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मात्र 10% मजदूरों का ही समायोजन हो पाया है। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू झा की रिपोर्ट। आप लोगों का आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम लोग एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किए हुए हैं। आज हम लोग श्रम अधीक्षक के माध्यम से राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जो लॉकडाउन के चलते असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूरों को जो कठिनाई हुआ है उसके लिए हम लोग मुआवजा मांग करते हैं, रोजी रोजगार का मांग करते हैं, और पूर्ववर्ती सरकार में जो आया हुआ कपड़ा जो सड़ रहा है श्रम विभाग में, उस कपड़ा का वितरण के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस कपड़ा को भी वितरण किया जाए। मजदूरों के लिए पैंट शर्ट आया है और महिला मजदूरों के लिए साड़ी आया है। जो आज तक पड़ा हुआ है, जो अभी सड़ रहा है या चूहा खा रहा है, इसलिए उसका भी वितरण कराया जाए और हम लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक मुआवजा दिया जाए। वैश्विक कोरोना महामारी में असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों के सामने जो आज विकराल संकट मुबाए खड़ी है, उनके बाल बच्चे के सामने भूखमरी की स्थिति है, उस स्थिति से निजात दिलाने के लिए आज हम लोग असंगठित दैनिक मजदूर संघ एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि कम आप वैसे लोगों को रोजगार देने का काम करें ताकि लोगों के पेट में अन्न मिल सके। अभी देवघर में दो बड़ी यूनिट, एक तो एम्स और दूसरा हवाई अड्डा, जहाँ की हजारों मजदूरों का काम चल रहा है और वो मजदूर बाहर से आके यहाँ लाया गया है। हम लोगों का मानना है कि लॉकडाउन की स्थिति में उन मजदूरों को आप सही सलामत अपने राज्य में भेज दीजिए और यहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं और स्थानीय मजदूर हैं इन लोगों को ऐसे जगह पर आप रोजगार उपलब्ध करा सकें। साथ ही साथ मनरेगा एक्ट के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं उनको आप रोजगार दे सकते हैं और सरकार कहती है कर नहीं रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।